हेलो एवरीवन, आज है 23 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी ग्रुप से जुड़े हुए दो ऐसे शेयर्स के बारे में जो काफी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल तरीके से काम कर रहे हैं। पहला है अदानी पावर और दूसरा है अदानी टोटल गैस। देखिए, तेजी आई, एक बहुत बड़ी गिरावट देखी हमने, फिर दोबारा एक दो दिन की तेजी आ गई, ठीक है। लेकिन उस तेजी के बाद अगर हम देखें तो भाई साहब, अदानी गैस में तो स्ट्रेट अवे 5% की गिरावट आई है, हालांकि अदानी पावर में थोड़ा सा कह सकते हैं कि हाँ, रिस्पेक्टिवली थोड़ा सा ट्रेड जरूर कर रहा है। ना ही 5% की तेजी है, ना ही गिरावट है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा लेवल दोनों ही शेयर्स में खरीदारी के लिए सही रहेगा और जो हाल फिलहाल का लेवल है, क्या ये अट्रैक्टिव है या सिर्फ एक ट्रैप है। तो वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम अदानी पावर के साथ। अदानी पावर का शेयर 126 रुपए के आसपास है। आज जहां पे शुरू हुआ वहीं पर ये क्लोज हुआ, मतलब कल जो प्राइस था उसी के आसपास क्लोज हुआ है। ना कोई बड़ी तेजी है, ना कोई बड़ी गिरावट है, लेकिन पूरे दिन में अगर हम देखें तो भाई साहब, 132 का हाई है और 120 का लो है, तो काफी ज्यादा फ्लक्चुएट करने वाला ये शेयर है। काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन आज हमें यहाँ पर देखने को मिला है अदानी पावर के शेयर्स में। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में आप देखिए, 90 रुपए का शेयर था, ऐसी रफ्तार पकड़ी कि 155 रुपए के आसपास पहुंच गया। लेकिन उसके बाद पूरा का पूरा अदानी वाला जो खेल हुआ कि शेयर हर रोज टूट कर टूट कर टूट कर नीचे 114 रुपए के करीब पहुंचा, जिस दिन 114 के आसपास था उस दिन ये 109 रुपए तक भी पहुंच गया था, ठीक है, उस दिन। लेकिन दोबारा बाउंस बैक किया और आप देखिए, तेजी दिखाई, ठीक है, तेजी दोबारा दिखाई। अब यहां से इसको स्टेबिलिटी मिलती है कि नहीं, वो सबसे बड़ा सवाल है। पिछले एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में 235% का ग्रोथ है, 34 रुपए के आसपास था। देखिए, लंबा वक्त इसने बिताया एक लेवल पर, और ये संकेत है कि भैया बहुत जल्दी ये शेयर अच्छा सपोर्ट ले रहा है, अब यहां से ये तेजी दिखाएगा। और हुआ भी वही, एक बड़ी रफ्तार दिखाई। ये वो लेवल से जहां पर मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी, शेयर ऊपर चढ़ता गया, लेकिन जैसे वो 100 रुपए के ऊपर निकला तब मैंने कहा था कि मैं इसको 100 रुपए से महंगा कभी भी नहीं खरीदूंगा, 90 के आसपास मिलेगा मैं जरूर कोशिश करूंगा, जब तेजी ऑलरेडी आ चुकी थी। तब दोबारा टूट के 90 से नीचे गया, तब भी मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी, और लेकिन जब 155 रुपए तक निकला, 130 140 पे निकला, तब मैंने कहा था कि यहाँ पर कभी भी एक गिरावट आ सकती है, तो आपको थोड़ा सा संभल के यहाँ पर रहना चाहिए। और गिरावट हमें देखने को मिली भी सही। यहाँ पर अगर आप देखें तो लार्ज कैप शेयर है, तकरीबन 50,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखिए तो एनएससी में जो इसका वॉल्यूम ट्रेड आज के दिन में देखने को मिला है, वो तकरीबन तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड है। और इसका जो पी है, पी जो है इसका, वो तकरीबन 36 के आसपास का इसका पी हमें हाल फिलहाल में देखने को मिल रहा है। इतने ही नहीं, अगर हम यहाँ पर देखें तो प्रमोटर के पास 46.64% की होल्डिंग है। देखिए, जो सबसे बड़ी दिक्कत आई थी अदानी ग्रुप्स में वो ये थी कि भाई साहब, प्रमोटर एक बड़ी होल्डिंग लेकर बैठे थे और एफआईएस ने बड़ी होल्डिंग खरीदी थी, म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनी उतने ज्यादा यहाँ पर थे नहीं, और एफआईएस का जो जो होल्डिंग थी वो थोड़ी सी सस्पिशियस बताई जा रही थी। हालांकि ये पूरा का पूरा मामला जांच का होगा तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर कोई कमेंट नहीं करूंगा उसको लेकर, लेकिन हाँ, सस्पिशियस थोड़ा जरूर था। यहाँ पर आप देखिए, एफआईएस के पास यहाँ पर भी 11.49% की होल्डिंग है, जबकि म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनी कुछ भी यहाँ पर ओन नहीं कर रहे हैं। अदानी अगर बात करें पावर, तो डिविडेंड तो पे नहीं ही कर रहा है। अदानी पावर टेक्निकल रेटिंग अभी भी अच्छी है, तेजी के संकेत अभी भी, देखिए लॉन्ग टर्म में रिकवरी यहाँ पर डेफिनेटली देखने को मिलती है, क्योंकि अदानी ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है ना भैया, जो फाइनेंशियली काफी ज्यादा सक्षम है, उसके अलावा पॉलिटिकली भी काफी ज्यादा वेल कनेक्टेड है। तो यहाँ पर ये मान के चलना कि देखो, ये सारी चीजें देखिए शॉर्ट टर्म का डैमेज करेगी, ठीक है, ऐसा नहीं कि डैमेज नहीं करेगी, देखिए शॉर्ट टर्म का डैमेज करेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको दोबारा तेजी भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, 75% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 15% लोग बेचने की बात है, और 10% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। एक और चीज अगर हम यहाँ पर देखें तो अदानी पावर में रेवेन्यू में उछाल जरूर है। 2018 में जहां 20,000 करोड़ का रेवेन्यू था, वो 26,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। और प्रॉफिट अगर हम देखें तो प्रॉफिट में इस साल कंपनी मुनाफे में आई है, 1,270 करोड़ का मुनाफा हुआ है, जो अच्छा इसीलिए है क्योंकि इससे पहले के जो क्वार्टर्स थे इसमें इनको भारी नुकसान हो रहा था। अदानी पावर अगर हम देखें तो प्रमोटर की 32% की जो पहले होल्डिंग गिरवी थी पिछले साल, अभी भी देखें तो तकरीबन 29% की होल्डिंग गिरवी है।
मतलब प्रमोटर के पास 75% की होल्डिंग यहाँ पर देखने को मिली है, 11% की, 11 से 12% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है। तो ज्यादातर शेयर्स ये ही दोनों के पास थे और पब्लिक के पास बहुत ही कम शेयर्स थे। तो ये एलिगेशंस लगे थे कि भैया ऐसी हालत में मैनिपुलेट करना जो था शेयर को वो काफी आसान था। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अदानी पावर जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए एक सही शेयर साबित जरूर होगा, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि मुझे अदानी पावर से ज्यादा टाटा पावर एक सेफ शेयर लगता है कि हाँ खरीदारी करिए भैया, डूबेगा तो नहीं, इतनी बड़ी गिरावट कभी नहीं आएंगी। जितने करेक्शन, जितने शार्प करेक्शन अदानी पावर में आते हैं ना, उतने शार्प करेक्शन अदानी टाटा पावर में देखने को नहीं मिलते हैं। तो पहली पसंद टाटा पावर होगा, उसके बाद अगर आप चाहे तो अदानी पे दाव खेल सकते हैं। और अदानी डेफिनेटली ये जो 125 का जो लेवल है ना भाई साहब, ये मुझे थोड़ा सा रिस्की लगता है यहाँ पर। मैं तभी यहाँ पर कंफर्टेबली एंट्री लेना पसंद करूंगा अदानी पावर में, जब ये शेयर मुझे 100 रुपए से लेकर 110 रुपए के आसपास मिल रहा हो। 125, 126 पे खरीदने की मैं इसको कोशिश नहीं करूंगा, ठीक है। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने खरीदारी की है तो मैं आपको बेचने की सलाह दे रहा हूँ 126 पर। हाँ, जब 150 पे था तब डेफिनेटली मौका था बेचने का, अब 126 पे कोई बेचने का कोई फायदा नहीं होगा। डेफिनेटली थोड़ी बहुत गिरावट अगर आई भी, अगर आती भी है तो दोबारा रिकवरी के भी चांसेस ज्यादा है यहाँ पर। तो खरीदारी करी है तो बने रहिए इस लेवल के ऊपर, अगर आप नुकसान में तो बने ही रहना चाहिए। और शेयर अगर 110 या फिर 100 रुपए के करीब मिलता है तो आप थोड़ी और क्वांटिटी भी उस लेवल पर ऐड कर सकते हैं। लेकिन अभी का जो सिनारियो है, अभी मैं एंट्री लेने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगा। देखिए अभी मुश्किल से ये सेटल होने की कोशिश कर रहा है। देखिए जो 5% की तेजी और गिरावट का जो माहौल था आज, उससे ये सेटल होने की कोशिश कर, सबसे पहले मैं कहूंगा कि इसको पहले सेटल होने देते हैं कुछ दिनों तक, उसके बाद प्राइस यहाँ पर देख के हम यहाँ पर धीरे से एंट्री करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जो प्राइस मैंने कहा है 100 रुपए से 110 के आसपास, वो एक सही प्राइस रहेगा एंट्री के लिए। और अगेन, इतना बड़ा भी शेयर नहीं है कि आप खाली, देखिए रिस्क यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व है, तो इस चीज को भी आप यहाँ पर ध्यान रखिए। दूसरा है अदानी टोटल गैस, 1,300 रुपए का शेयर है, 5% की गिरावट है। इसमें भी बिल्कुल वही वाला खेल चला था। देखिए 1,600 रुपए से टूट कर टूट कर टूट कर नीचे 1,200 रुपए तक पहुंचा, और जिस दिन ये 1,200 के आसपास था तब ये, मतलब जिस दिन उसने अगले दिन तेजी दिखाई थी, उस दिन ये 1,100 के करीब भी पहुंचा था। अच्छी तेजी दिखाई, वापस टूट गया, और इसमें अभी भी ये 5% की तेज और गिरावट वाला ही खेल चल रहा है। तो अभी तो यहाँ पर भैया वेट एंड वॉच का ही सिलसिला सही रहेगा। और यहाँ पर आप देखिए बहुत ही हाई पी पर है। देखिए अदानी पावर का जो पी रेशियो है वो थोड़ा सा कम है, जबकि इसका तो भैया 300 के से भी ऊपर का पी रेशियो है, और जो इंडस्ट्री एवरेज है वो 36 के आसपास का है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि बहुत ही हाई वैल्यूएशन के ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है, बहुत ही हाई पी के ऊपर ट्रेड कर रहा है। लार्ज कैप शेयर है ये, 1,50,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। और आप देखिए प्रमोटर यहाँ पर भी देखिए वही चीज देखने को मिली है, 37.40% की होल्डिंग प्रमोटर के पास, और 19% से भी ज्यादा की होल्डिंग एफआईएस लेकर बैठे हैं, जबकि 0.02% की छोटी सी होल्डिंग म्यूचुअल फंड और 2.13% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। अदानी में अगर आप देखिए गैस में, इसकी टेक्निकल रेटिंग अच्छी नहीं है, यहाँ पर डाउन ट्रेड है, क्योंकि भैया शेयर का जो पी है वो काफी हाई है। यहाँ पर देखें तो 92% लोग खरीदने की सलाह दे रहे थे। देखिए 1,300 पे तो मैं बाइंग की सलाह नहीं दूंगा। इवन जब शेयर 1,300 पे पहुंचा था तब मैंने खुद कहा था कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग लेना चाहिए, तो अब तो मैं यहाँ पर नहीं बोलूंगा। लेकिन हाँ, जब मौका था यहाँ पर, देखिए अगर मैं चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो मेरी तब से यहाँ पर बाइंग की रिकमेंडेशन रही है। जब से ये शेयर 100 रुपए से भी कम प्राइस पर ट्रेड कर रहा था, जब ये शेयर 200 पे था, 300 पे था, 400 पे था, 500 पे, तब तक मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। इवन जब, लेकिन जब इसने 1,300-1,400 का लेवल तोड़ दिया, तब मैंने कहा था कि यार ये बहुत ऊपर निकल चुका है, अब यहाँ पर जो रिस्क है वो काफी ज्यादा है। तो तब से मैंने इस शेयर को अवॉइड करना शुरू किया था। और यहाँ से अगर ये टूट कर 1,000 रुपए से नीचे जाता है तो मैं यहाँ पर सोच सकता हूँ एंट्री को लेकर, लेकिन तब तक तो मैं यहाँ पर खरीदारी की कोशिश नहीं करूंगा। देखिए कंपनी अच्छी है, लेकिन जो वैल्यूएशन पहुंच चुका है इसका, जो हाइप बन चुका है वो बहुत हाई है यहाँ पर, क्योंकि देखिए फ्यूचर शानदार है। देखिए गैस कंपनी मुझे क्यों पसंद आती है, क्योंकि भैया आने वाले वक्त में अगर हम देखें तो गैस की तरफ जो शिफ्टिंग है वो बढ़ने वाला है, ठीक है। तो डेफिनेटली इनका फ्यूचर है। और लेकिन लेकिन 1,000 रुपए से महंगा अब मैं इसको नहीं खरीदूंगा, ठीक है। और मैं इसको तब तक अच्छा मानूंगा जब तक बीजेपी गवर्नमेंट है, ये चीज भी आप यहाँ पर मान के चल सकते हैं। ओवरऑल मैं इतना कहूंगा कि अदानी
टोटल गैस अवॉइड करने की सलाह रहेगी। अदानी पावर, जैसे कि मैंने कहा कि अगर मुझे 100 रुपए के आसपास मिलता है, डेफिनेटली एक अच्छा बाइंग लेवल होगा, और यहाँ पर 1000 रुपए का जो नीचे का लेवल है वो एक रिस्पेक्टिव बाइंग लेवल होगा खरीदारी के लिहाज से। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और अदानी गैस और अदानी पावर दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।